कोई भी इंसान बुरा नहीं चाहता किसी का, कुछ हालात बना देते हैं कि जो पुलिस व्यवस्था है, इस पुलिस व्यवस्था में अगर सुधार हो जाए तो इसमें बहुत सारे युवा क्रिमिनल होने से बच सकते हैं। और जो ये गैंगस्टर है, कोई गैंगस्टर माँ के पेट से कोई नहीं पैदा होता, इन्हें हालात बनाती है। मैं 72-73 जिले में गया था मैडम, हाँ 72-73 में रहा हूँ मैं। अपनी तो उम्मीद है, हम तो जिस दिन चले थे ना, हम उसी दिन से अपने आप को मार के ही चले थे, और हमने जीने के लिए हम चले ही नहीं थे। अब मुझे गैंगस्टर कहा ना, ये गैंगस्टर तो दिया है पुलिस ने और अखबार न्यूज वालों ने, ये तो नाम मेरा दिया हुआ है आप लोगों का। तो मेरी सोच ये है, मैं तो अपने किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ने का विचार में, ना मैं लड़ूंगा। सबसे पहले तो सभी को राम राम, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे साथ जींद प्लस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सोनम। आपको बता दें कि आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसको हरियाणा ही नहीं, शख्सियत तो हरियाणा से है लेकिन हरियाणा ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, यूपी में भी काफ़ी चर्चे हैं, और चर्चे क्यों हैं वो भी हम आपको बताएंगे और उन्हीं की जुबानी से सुनवाएंगे। जी हाँ, हम आज आपको सोनू मालपुरिया, जी हाँ सोनू मालपुरिया से मिलवाने वाले हैं। उनकी जो कहानी है, कैसे वो गैंगस्टर बने, लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए अब तक, और क्या उनकी लाइफ का अब तक का मोटिव रहा है। और आपको एक ख़ास बात भी बता दें, लगभग 25 साल की जेल काट के अपनी सज़ा पूरी करके कितने मुकदमे चले वो भी नहीं से जानेंगे, और अब तक की क्या स्टोरी रही है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको राम राम। हाँ भाई, राम राम भाई, राम राम तेरे तेरे दर्शकों को भी सारे ने राम राम भाई, जय जवान जय किसान। सुना वे के बुझेगी। देखो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोड़ आए हैं, और सबसे पहला मोड़ है कि भाई आप के आपका जो नाम है, आपके नाम के पीछे गैंगस्टर, गुंडा, ये जैसे नाम लगते हैं। कैसे आपने इस गैंगस्टर वाली दुनिया में कदम रखा, कैसे शुरुआत हुई, क्या आपने मजबूरन रखा या फिर आपकी खुद की मर्जी थी? देखो, कोई भी इंसान बुरा नहीं चाहता किसी का, कुछ हालात बना देते हैं। कोई छोटी मोटी बात थी गांव में, एक हो जाती है, एक परिवार में भी हो जाती है, तो मन मुटाव में थोड़ी बात बढ़ गई, आपस में भाई थे बड़े, तो एक हादसा कह लो या फिर उसको हत्या कह लो या रंजिश कह लो। देखो उस टाइम तो मैं भी समझ नहीं थी, हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, एक जो लड़ाकू किस्म की है, जो मतलब कि एक ये जो इन घटनाओं से सीखने वाली और इन चीज़ों से न डरने वाली, क्योंकि सेवा में देख लो, सुरक्षा में देख लो, बॉर्डर पे देख लो, पुलिस में देख लो, आप कहीं भी देखोगे तो ये किसान बिरादरी ही वहाँ काम करती है। बस थोड़ा कुछ युवा थे, कुछ हादसे ऐसे हो गए, बस वैसे मोड़ ले लिया जीवन ने, फिर वो मोड़ लिया तो एक बार दलदल में फंसे तो फंसे, फिर तो हाथ में पुलिस के रह जाती है। अगर पुलिस सच्चाई, जैसे पहले अंग्रेज राज में होता था, ये जो चौकीदार, नंबरदार, जिनके पीछे दार लगे है ना, ये गांव की हर चीज़ का ब्यौरा रखते थे। अब तो आप जाओ सरपंच के बातचीत हो जाती है, लेकिन पहले ये दार थे जो सरकार के बनाए हुए होते थे, और इनसे पूछते थे गांव की सच्चाई क्या है, और वो नंबरदार, जेलदार, ये चौकीदार, ये कई जो दार थे, ये दार बैठ के ये उनको पुलिस को समझाते थे जी कहानी है ये, तो वो साफ हो जाती थी तस्वीर उसमें कोई। और अंग्रेज शासन में भी ऐसे ही होता था, जो सच्चाई को दूध का दूध, पानी का पानी, लेकिन ये हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, इस पुलिस व्यवस्था में अगर सुधार हो जाए तो इसमें बहुत सारे युवा क्रिमिनल होने से बच सकते हैं, क्योंकि हालात, परिस्थितियां गांव में लगा लो आप, या कुछ ऐसी हो जाती हैं, उनको कोई
बस वो आन बान शान की मतलब कि बात मान लेते हैं। और जब केस पुलिस के पास जाता है ना, तो अब तो जो गवाह ने लिखवा दिया भाई फलाने फलाने हैं, 10 आदमी, मारने वाला 1, तो पुलिस वो 10 को ही बांध देती है और वो जांच अच्छी तरह से नहीं करती। उन्होंने अपना लिपा पोती करनी है भाई अगले का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना। एक तो अंदर मर गया और एक बंदा अंदर चला गया, उसके साथ 5-7 वैसे बांध दिए। तो अगर पुलिस उस टाइम जो शुरू का केस होता है, अगर उसकी गाइड या उसकी मतलब कि समझा उसको जो क्यों आया अगर वो हाँ मतलब तहकीकात लगा लो आप सही, अगर पूछताछ से गांव में जहाँ अपराध हुए हैं सही तरह से ले, और उसको लगता भी हाँ ये मजबूरी वंश ये इस लाइन में आया है, तो उसके सजा थोड़ी या कुछ ऐसी गुहार लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा पुलिस नहीं करती, पुलिस को अपने पास से जो भी तथ्य आते हैं, जो भी गुहा बताता है, ये पहले अब तो बंद हो गया, पहले तो एक लुगाई लड़की मरती थी और गोशे दे नाले कंधा देने वाले भी पकड़े जाते थे, लेकिन उसका विरोध हुआ। इन हमारे कानून में बहुत खामियां है और सबसे ज़्यादा खामियां तो हमारे विचारों में है। अगर हम पुलिस वाले भी हमारे परिवार से ही हैं, वो कोई बाहर से तो आए नहीं हैं, अगर वो थोड़ा सा मतलब कि बच्चे को जो भी केस में जाता है उसकी गाइडेंस ठीक कर दे ओ, तो उसमें काफ़ी सुधार आ सकता है समाज में भी और युवाओं में भी। और जो ये गैंगस्टर है, कोई गैंगस्टर माँ के पेट से कोई नहीं पैदा होता, इन्हें हालात बनाती है। और रही बात गुड़िया प्रसिद्धि की, आप कह रहे हो कोई जगह जानते हैं, जानते मेरे को बाहर 9-10 देशों में बाहर भी जानते मेरे को, मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं फोनों से। लेकिन ठीक आदमी की हम इन चीज़ों से ठोकरे खाई हैं, ठोकरे खाने से हमने सीखा है। ज्ञान तो देखो झूठ तूफान का तो हमारे खानदान में ही नहीं था, मेरी भी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, अफसर लाइन में है, तो हम इधर मुड़ गए, परिवार उधर चला गया। लगभग बैकग्राउंड भी अच्छा है सभी सरकारी पदों पे लगभग, और आप इस लाइन में आए तो आपको कैसा लगा कि भाई हाँ नाम के पीछे गैंगस्टर लगना, ये मन में थोड़ा बहुत विचार कुछ? देखो उस टाइम तो हमें गैंगस्टर कह ले चाहे बदमाश कह ले चाहे डाकू कह ले चाहे चोर कह ले, अपने को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन जो आदमी जेलों में जाते हैं ना, वो सीखते बहुत कुछ है, उनको ज्ञान होता है समाज का। जो चीजें ये पुलिस का तो एक डर ही होता है, जेल का भी एक डर होता है, अगर उस डर से आगे बात चली जाती है ना, तो फिर वो उसके लिए कोई जेल नहीं, कोई पुलिस नहीं, और उसका डर ऐसे निकल जाता है, वो फिर अपना गैंगस्टर ही बन जाता है। अगर हमें कोई संभालने वाला समझाने वाला होता ना, तो कई बार शुरू में मेरे को एक दो ने झूठे केस में भी फंसवाया, अच्छा। पार्टीबाजी में तो कई तरह की परेशानी आई परिवार को भी, तो फिर आदमी पुलिस से भी कटने लग जाता है। जो पुलिस की छवि है वो एक मतलब कागजों में तो एक पुलिस है, लेकिन एक क्रिमिनल टाइप की हो रही है। अगर कोई आपने तो इतना टाइम बिताया कहीं ना कहीं, तो पुलिस की छवि का भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे से देखने को रूबरू भी हुए उस चीज़ से? हाँ, बस पुलिस पहला ही पड़ाव पुलिस है, जब हम इसमें घुसते हैं पहला पड़ाव ही पुलिस है, दूसरा जेल है, तीसरा फिर न्यायालय है। अब तक कितने केस हुए और कितनी जेलों में आप गए हो? केस तो मेरे पे लगभग 85 के आसपास लगे होंगे, उनमें कुछ सच्चे कुछ झूठे, कुछ सच्चे लगे ही नहीं, और आगे लगा के भेज दिए, कुछ और आगे झूठे मेरे पर लगा दिए, कुछ हमने स्वीकार भी किए हैं जो भैया हमने किए हैं, तो कुछ नहीं मिला जुला सर ऐसे ही है। आके मैं तो धन्यवाद देऊंगा उस पुलिस वाले भैया ने भी और उन जेल वाले भैया ने भी, अक हमने उनसे कुछ ऐसा सीखने को मिला, अक हम समाज में कुछ कर सकते हैं। हम तो अपने आप को ही कुछ और तरह का समझते थे जेलों में, जब हमने बाहर आके देखा 26-25 साल बाद, तो बाहर मतलब कि लोगों को ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, उनको असल में तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता अब तुमने जीना किस लिए है। जीने के कुछ अपने धर्म, कुछ अपने नियम, कुछ अपने कानून कायदे होते हैं,
उनमें थोड़ी बहुत दिक्कत भी आए तो देखो सहन कर लेनी चाहिए। और हमने तो उन जो 26 साल कटे हैं, हम तो बुराई उन 26 सालों को भी नहीं देते भाई। देखो जीवन में आए हैं तो जाना है, लेकिन उस बुरे वक्त में उन हालातों में हमने अपने दोस्तों से, बाहर से लोगों से, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे मेल जोल हुए हैं, तो उनसे हमने कुछ सीखा है। और जो हम सीख आए हैं 25-26 साल, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो तपस्या हमने की है, इसका फ़ायदा हमारे भाइयों को, हमारे परिवार को, हमारे किसानों को होना चाहिए। अब तक कितनी जेलों में आप गए हो? मैं 72-73 जेलों में गया था मैडम। हाँ, 72-73 में रहा हूँ मैं। हरियाणा या फिर हरियाणा से बाहर? नहीं, हरियाणा भी, दिल्ली भी, यूपी भी, पंजाब भी, तो कई राज्यों की जेलों में रहा हूँ। तकरीबन दिल्ली में भी 17-18 जेलें हैं, उनमें भी लगभग सारियों में रहा हूँ। हरियाणा में भी तक लगभग सारियों में रह लिया, जितनी भी जेलें हैं बार बार, यूपी में भी, पंजाब में भी, पटियाला। जब आप जेल में थे उसी दौरान ही आपकी शादी भी हुई थी? हाँ, शादी का तो ऐसे था, जैसे भाई था मेरा पुलिस में था, वो उनका मर्डर होने के बाद फिर वो बच्चे छोटे छोटे थे, अब उनको तो क्या पता, उनको तो बच्चों को तो जो जैसे लाड कर लेगा वही मार वही बाप, तो और क्या फर्क होता है। तो हमने तो फिर यही सोचा मगा, हम अपना जीवन जीवें तो किसी अच्छे के लिए। और छतरी पर भी हमारा यही था, मान ले हम अपने स्वादा में मज़े लेंदे किते और नई शादी करते और हमारे बेटे भतीजे परिवार दुखी होता, तो उसमें मतलब हमारी शोभा नहीं थी। तो आपने सोचा था ऐसा कि भाई मेरी शादी होगी, ऐसा कुछ? शादी का तो मैं तो जीने की नहीं सोच रहा था, शादी की तो बहुत दूर की बात है। अपनी तो उम्मीद, हम तो जिस दिन चले थे ना, हम उसी दिन से अपने आप को मार के चले थे, और हमने जीने के लिए हम चले ही नहीं थे। हमने तो ये है कि भाई आत्महत्या करने से पेंडा छूट जाएगा हमारा, तो वही है, डर के आगे जीत है। जब डर को हमने पार किया तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था सारा सौदा। बस एक सीमा होती है डर की, प्रेशर की भी एक सीमा होती है, अगर आप उस सीमा से बाहर निकल जाओगे तो फट जाएगी वो चीज़। तो डर की भी एक ऐसी चीज़ होती है, जब एक डर से निकल जाता है ना, तो उसके लिए मौत इतनी अहम नहीं रखती, ना कोई ऐसी अहमियत नहीं रखती भाई, मतलब कि उसको उस चीज़ से डर लगता हो। देखिए, आपकी वो लाइफ और अब की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है, उस लाइफ में और इस लाइफ में कितना क्या अंतर है? आप देखो, कहीं ना कहीं आजकल का जो युवा है, अगर उसे थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो वो भड़क जाता है, और कहीं ना कहीं ये चुनता है कि भाई इसने मेरे को ये बात बोल कैसे दी, और वो गलत रास्ता भी अपना लेता है। ऐसा देखो, जो मुझे गैंगस्टर कहा ना, ये गैंगस्टर तो दिया है पुलिस ने और अखबार न्यूज वालों ने, ये तो नाम मेरा दिया हुआ है आप लोगों का, और जो ये मेरी पहचान है, मैं आके अपना काम कर रहा हूँ, ये है मेरा नाम, मेरी पहचान। जब अब आप गैंगस्टर बोलती हो भाई, और पता नहीं दुर्दांत, हत्यारा, मतलब खलनायक, क्या क्या नाम होते हैं, तो सारे नाम, लेकिन वो नाम हमने मारे, हमने खुद नहीं लिया ना, मेरे परिवार ने रखा, वो नाम समाज ने दिया है, उसमें मुख्य भूमिका पुलिस की और दूसरी फिर प्रेस की। तो मैं तो नू है कि ये बाप लोगों को तो जो न्यूज़ देगा, आपने तो न्यूज़ चलाने से थी मतलब है, क्योंकि आपका काम ही ये है, काम पुलिस का है। जो हमारी पहली स्टेज है ना इस लाइन की, हमें सबसे ज़्यादा सुधार पुलिस में चाहिए। लेकिन पुलिस में अब क्या हो रहा है भाई, आदेश है SHO साहब के, भाई आदेश हैं DSP साहब के, भाई आदेश हैं SP साहब के, आदमी की सच्चाई नहीं देखी जाती, आदेश देखे जाते, आदेश किसके हैं। अगर झूठा कोई फंस रहा है, हमारे साथ खूब बीती है, अगर जो जिनके हम वैसे काबू में नहीं आए, तो उन्होंने अपनी सिफारिश का, अपनी पावर का, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करके हमारे झूठे मुकदमे भी लगवाए, तो बल्कि और थाने में जूत भी मरवाए। तो जब एक आदमी ऐसे ही अफसरों से पूछ के करेगा ना, अब ये देख लो, ये जो अपने कांस्टेबल भाई हैं, मुंशी हैं, थानेदार हैं, जो चलान बनाते हैं, इनके एजुकेशन 10वीं 12वीं है, 10वीं 12वीं वाला जो लिख देगा ना, उन कागजों पे
सुप्रीम कोर्ट के वकील भी उन्हीं कागजों पे लड़ते हैं, एक जो 10 महीने वाले ने कागज बना दिए, और पूरी लॉ लाइन है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एसडीएम कोर्ट से लग जाओ आप, यहाँ से दूर तक उन कागजों पे बहस होगी जो उस 10वीं बार मियाड़े ने लिख दिए। मतलब कई खामियां तो हमारे कानून में यहीं बुराई आ जाती है। जो आदमी डिग्रियों पे डिग्री लेके मतलब कितनी ऊपर पहुँचा है, उसने फैसला उन चीज़ों पे देना पड़ता है, फैसला जो 10वीं वाले ने लिख दिए। एक 10वीं पास की डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हमें, उसमें जज और सारे वकील सुप्रीम कोर्ट तक उन्हीं कागजों पर लड़ते चले जाते हैं। दोनों जी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, हाल ही का ताज़ा मामला है पानीपत से जो एक कॉन्स्टेबल है, जिसने कहा कि प्रशासन में ही कमी है जिसकी वजह से मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, पुलिस प्रशासन में है, और SP का बयान आता है कि ये मानसिक इसकी हालत ठीक नहीं है। बस जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं ना, तो हमने गैंगस्टर कह देते हैं, वही उस भाई के साथ हो रहा है। जब वो अपने मन की बात और पुलिस की अंदर की सच्चाई बताएगा ना, तो पहली बात तो उसने निकाल ही देंगे। अब दूसरी बात, जो मीडिया का जमाना है, उस भाई की देखो उसके साथ फेवर भी बहुत है लोगों का, और है भी गलत बात ये, भाई अपनी बात कहने का सबको हक है। मेरे साथ कई पुलिस वाले थे, मैंने ऐसे देखे हैं कि इंस्पेक्टर ने कह दिया ये काम होगा, लेकिन एक कांस्टेबल ने कह दिया मैं नहीं होने दूंगा, तो उस कांस्टेबल ने होने ही नहीं दिया, जबकि बॉस इंस्पेक्टर होता है। अगर सभी अपनी ड्यूटी पे खरे उतर जाए ना, जब वो ईमानदार एक कांस्टेबल था और इंस्पेक्टर की बात को उसने मोड़ दिया, इंस्पेक्टर के साथ 10-12 पुलिस वाले की एक टीम होती है, अगर इंस्पेक्टर ने आदेश दे दिए ये करो, अरे कांस्टेबल ने कह दिया भाई नहीं ये गलत बात है मैं ये नहीं करने दूंगा, तो उस वो अपनी जगह सही था कांस्टेबल, इस वजह से उस पूरी टीम की नहीं चली। अगर सच्चाई है तो अलग दिखेगी, तो ये पुलिस वाले खुद ही अपने महकमे से दुखी हो रहे हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ चली 25 साल आपने लगभग जेल में काटे, उस दौरान आपकी सुनवाई भी होगी, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिनके आपके साथ विरोध रहे होंगे, उन्होंने हमला करने की भी सोची होगी इस दौरान, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, सारे काम हुए हैं, हमले भी हुए हैं मेरे पे 3-4 बार, और पुलिस ने उस हमलावर का ही फेवर बदल किया है, मेरा नहीं किया, मेरा तो सिर्फ भोले बाबा ने किया है। मेरे को तो जब मतलब कि 20 आदमियों की टीम में एक आदमी आकर छाती पर रख के पिस्तौल चलाता है, तो मिली भक्ति होती है। अब कोई लग लो मेरे साथ, मेरे साथ पुलिस भी नहीं है, अब कोई गोली चला के देख लो मेरे गले, बूढ़े रहो वहीं देख लेंगे इन्हें। हाँ, ये भी एक खास बात आपकी देखी जा रही है कि भी आप अपनी उम्र के और युवाओं में कम बैठते हैं, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादातर बैठे हुए दिखाई देते हैं। नहीं, मेरा शुरू से बचपन से ही है ये, मतलब कि संस्कार हमें ऐसे हैं, मैं बचपन से ही मेरा पूरा गांव जानता है, मैं आम उम्र में नहीं बैठा कभी, मैं बैठा हूँ अपनों से बड़ी उम्र में, बुढ़ों की सेवा करी है, ओके भरे हैं, उनके कोई आदेश हो उनकी पालना करी है। मेरे मन में बुजुर्गों के लिए हमेशा सम्मान है बचपन से ही, ये हमारी मतलब कि संस्कृति कह लो या फिर एक परिवार का परंपरा कह लो। जब आप के ऊपर मुकदमे चले, जेल में रहे, तो आपके गांव ने कितना क्या सहयोग दिया इसमें? मेरे गांव ने तो इतना सहयोग दिया है, अब ये देख लो 2-2, 3-3 परिवारों में दुश्मनी होने के बाद, तो एक में दुश्मनी होता जब गांव में नहीं बैठ सकता आदमी, लेकिन मेरा गांव ऐसा सहयोग दिया है कि मेरा परिवार गुवाना मेरी सिस्टर का रहा करता, 15-16 साल वहीं रहा, तो मेरे साथ एक बार अन्याय हो गया, पूरे 13-14 गांव जाके और मेरे को न्याय दिलाया और पूरे परिवार को ला के गाँव में सरपंच बना दिया। मैं छुट्टी आया था और पूरे गांव ने मतलब मेरे को तो घर वर बना के सरपंच बना के ऐसे बसा दिया कि हम तो अपने गांव को ये समझ ले कई जन्मों तक नहीं आसान उतार सकते अपने गांव का। हाँ, तो अब हमारे गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और मेरा गांव मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है और मैं अपने गांव के लिए खड़ा रहता हूँ। देखो सरपंच वैसे तो कोई बनाता नहीं, कुछ विश्वास है गाँव ने, अब जिला परिषद में खड़ी है सरपंचनी,
तो गांव ने उठा रखा है। देखी गई कि भी अब आपका पॉलिटिक्स की तरफ भी रुझान कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। नहीं, मेरा कोई पॉलिटिक्स की तरफ रुझान नहीं है, मेरे एक मकसद है भाई मैं इस जिले की सेवा कैसे कर सकूं। देखो मैं किसान यूनियन का प्रधान बनाया हूं जिले पानीपत का, तो ये हरियाणा का हेड ऑफिस है पानीपत किसान भवन, यहीं सिलेक्शन होता है, बाकी और जगह तो वैसे नॉमिनेट ही करते हैं, जो सिलेक्शन होता है वो पानीपत जिले में ही होता है। तो मेरी सोच ये है मैं तो अपने किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ने का विचार में ना, मैं लड़ूंगा भाई। यहाँ चेयरमैनी का पद है, अगर चेयरमैनी का पद मैं अपने लड़के को या पत्नी को दिला पाता हूँ तो उस चेयरमैनी के पद के बहाने मैं अपने इन किसानों की, अपने भाईचारे की, गुवांडिया की मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास देखो ये किसानी की कोई पावर नहीं है, ये तो एक हमारी आत्मा में बसी हुई है, ये तो एक हमने सेवा करनी है जीवन भर अपने किसानों के लिए। इनकी जो लड़ाई है तो हमारा मतलब कि मन से लड़ने का विचार है, मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का विचार नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। अभी तक जो मेरी अगर सोच है, मेरे को तो वैसे कोई सिलेक्शन करता है मेरा या वोटिंग वाली लड़ाई में लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो बस अपने वैसे सेवा करूंगा, इन लोगों के दिल में जगह बनाऊंगा और अच्छे कार्य करूंगा और इन्हीं को लेकर बिगर इलेक्शन के साथ चलूंगा। और जो मेरे किसानों की लड़ाई है उनकी लड़ाई लड़ूंगा, वो चेयरमैन बन जाते हैं तो वो फिर अपने ज़िले की लड़ाई, तो हम कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं भाई। देखो क्या क्या नाम दिए हैं, तो जब हम जाएंगे तो जब हमारा क्या नाम होगा, तो हमारे नामों में कई बार चेंजिंग आई है और भी चेंजिंग आएगी इसमें, कहीं ना कहीं आपको संत भी लगा नज़र आएगा, बाबा भी लगा नज़र आएगा, गुरु भी लगा नज़र आएगा। तो मतलब जैसे कोई न कोई पद ये गांव वाले अपने गुवांडी किसान भाई अपने आप दे देंगे जैसा हम कर्म करेंगे। एक जैसे गुंडागर्दी वाली लाइन में जब तक आप नहीं थे, उससे पहले आप देखो वो युवा अवस्था थी आपकी, आपके भी कुछ सपने होंगे कि भी आगे ये करेंगे, ये होगा आगे, ऐसे फ्यूचर सेट करना है वो सब? देखो मेरा शुरू से कुछ भगवान पे ज़्यादा विश्वास है, तो पहली बात तो मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ के चलता हूँ भाई, जो करेगा वो ठीक है, तो जैसी रजा में रखेगा उसी में हम राजी हैं। तो आदत है एक रहने की, मान ले दुखों को साथ रहोगे ना तो दो चार छः महीनों में आपने दुखों से भी ऐसा प्रेम हो जाएगा, अपने दुख दुख ही नहीं लगेंगे। ये दुख भी हमारे मन का ही वहम है, ये हमारे अंदर ही है। अब दुनिया के पास दौलत है, नाम नहीं है, दौलत है नियत नहीं है, तो ये भगवान सबको नहीं देता, ये किसी किसी को देता है। और मैं तो ये कहूँ देखो अच्छी सोचो और अच्छा करो तो समाज अपने आप ही बता देगा भाई ये बुरा है कच्चा है। एक दिन की झूठ या दो दिन की झूठ भी समाज अभी पकड़ लेता है। हाँ मैं तो पुराने जीवन में ना देखो मैंने वहाँ भी सेवा की है, जेलों में मैंने बहुत, मेरे जो प्रसिद्धि का कारण है ना वो ज़्यादा जेलें ही हैं। मैंने जेलों में योग सिखाए हैं कम से कम भी 5-7 हज़ार आदमियों को, 2-4 हज़ार आदमी हमने जेलों में जुर्माना दे के छटवाए हैं, किसी की जमानत भरवाई है, किसी का मतलब हमारा ना रुझान शुरू से ही है अपना, जो आदमी दुखिया है और छतरी का एक धर्म भी है, मान ले कोई कष्ट में है दुखिया है तो उसके काम आना भी चाहिए। तो हमारी ये इस धर्म के हिसाब से हमने जेलों में बहुत काम किए हैं, लोगों को उन्होंने अपने घर जाके बताया है, आज हम बाहर निकले हैं तो एक सोनू मालपुरिया है उस भाई ने हमारी सहायता की है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो उठाती हैं आदमी को, हम सेवा करेंगे तो देखिए सोनू मालपुरिया अपने हरियाणा में तो ये चीज़ खास देखी जाती है कि भाई जो यहाँ के युवा है ना उनके अंदर इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि भाई गैंगस्टर बन गया ये हो गया, अपनी परिवार की तरफ भी नहीं देखते कहीं ना कहीं, कॉलेज में जाते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं इस लाइन में आ गया तो मेरे लिए सब ठीक है, अब तो मैं राजा बन गया। लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, 25 साल आपने जेल में काटे तो, और हरियाणा के हर युवा का युवा के मुंह पे आपका नाम भी है, तो उनको क्या कुछ संदेश आप देंगे? देखो वो लोग जो आज पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं, देखो पहली बात तो मैं आपको
इनकी कार्यशैली है जो बता रहे भी लड़ाके हैं युवा में ये है, ये लड़ाका कौम है जो दिल्ली के 100 किलोमीटर एरिए में डटी हुई है, उधर नहीं है ये लड़ाका कौम, या तो मराठा लगा लो नहीं तो दिल्ली के 100 किलोमीटर एरिए में ये जो लड़ाके कौम छोड़ी थी हीर राजपूत जाट, ये इसलिए छोड़े थे भाई दिल्ली पे कभी हमला होता है तो ये उस फौज को बीच में ही मतलब रोक दे, तो ये सुरक्षा के लिए एक स्पेशल कौम है ये, तो सुरक्षा के लिए थी पहले, उनको पता भी ये लड़ाके हैं, इनका काम ही लड़ाई करना था मान सम्मान की, राजाओं का आदेश मानना जो हमारे जुगर सूरजमल हो गए, अब उन्होंने आदेश दे दिया तो माननी पड़ेगा, तो ये एक परंपरा है हमारी, मतलब कि मान सम्मान के लिए अपनी ज़मीन के लिए अपने इनके लिए हम लड़के हासिल करते, अगर हमें नहीं मिलता तो लड़ने से डरते नहीं है, लेकिन बात हक की हो, बात मुद्दे की हो, ये नहीं है कि भाई मान लिया आट में पिस्तौल आएगा तो सब कोई मारता चला जाए, और इन चीज़ों में रखा भी कुछ नहीं है कि ये युवाओं को जो एक उम्र है ये 17, 18, 24, 25 तक, इस उम्र में थोड़ा सा माँ बाप अगर विशेष ध्यान दे ले तो बच्चों में मतलब कि नहीं, इसको संगत खराब करती है, अपने बच्चों की संगत का आप जरूर ध्यान दे, अगर तुम्हारा बच्चा किस संगत में है उसमें यार दोस्तों का जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इतना काम माँ बाप की समझ नहीं करती, उनको जो समझाएंगे जितना काम उनकी वो संगत करती है, बच्चे को अपने बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, देखो ये कई आदमी जो शौक में बदमाश बने उनकी बदमाशी चलती भी नहीं है, जो जैसा दूसरों को मारेगा उसे भी मरना पड़ेगा, तो ये कि माँ बाप दुखी हुए हैं ये तो कुछ देखो हालात हो जाते हैं, ये मान ले दो भाई मर गए मेरे, तीसरा मैं हूँ और मेरे को भी कोई लगता है भाई तेरे को भी खतरा है तो फिर तो लड़ाई लड़न में ही फायदा है, अगर हमें ये लगता है भाई नहीं कोई नहीं चलिए दो मर गए तुझे तो कोई खतरा नहीं है तो अपना जीवन डरपोक हो तो जी भी सकता है, पर हम डर के नहीं, हमने तो एक मतलब बदले की भावना से कुछ मन में ऐसा आया था अगर जिससे हमारे पर रहा नहीं गया तो हमने किसी को मारा है तो अपना जीवन बचाने के लिए नहीं मारा, उनके कसूर थे उनकी गलतियाँ थी, और बाकी तो मारने जीने वाला भगवान है तो मान्य हो जाए हमारे, मेरे हाथ से होगी कोई ट्रक तले भी मर जाए है कोई रेल तले भी मर जाए है, जिसकी जहाँ आगी ना वो तो निश्चित है, और ये फिर सजा हमने दूसरे प्रकार तो हमारे हाथ तो हो जाए है, हमने फिर किसी कष्टों की कुछ गलतियों की सजा काटनी पड़े है, तो जेल का भी बहाना है और ऊपर जाने का भी बहाना है, वो बिना बहाने कोई चीज़ नहीं बनती, तो मेरे साथ बहाने हो गए आज से हो गए उस बहाने से मैं जेल में चला गया, जेल से मुझे कुछ बुद्धि आ गई, मैं आठ पढ़ रहा था मैंने 10वीं की 12वीं की BA की जेल से की मैंने इग्नू से पढ़ाई, तो सोच बदली तो हमने आगे भी बढ़ने की कोशिश की, तो कुछ आदमी माँ बाप समझाएं उनको बच्चे की समझ में कम आता है, काजू बादाम खुआते रहो दिमाग नहीं आएगा, दिमाग आता ठोकरों में, जिसको जितनी ठोकर लगेंगी उतना दिमाग आ जाएगा, हमारे कुछ ज़्यादा ठोकर लगी है, उन ठोकरों ने हमें सिखा दिया है, अब हमें जीवन का मोल का पता चल गया है, अब भी अपने लिए क्या, अगर जीना है तो अपने भाईचारे के लिए अपने समाज के लिए गरीबों के लिए जिएंगे, और अपनी सोच को हम बदलते रहेंगे, आप लोग इंटरव्यू ले हो फिर कभी ये बातें दोबारा आपने याद आऊँगी फिर आओगे आप लोग, तो हम अपनी बात पे रहेंगे और हम कुछ न कुछ रोज़ बदलेंगे बढ़िया करेंगे समाज। तो अब आपने अपनी अगली जीवन शैली है वो किस तरीके से व्यतीत करने की सोची? व्यतीत अपना तो बागड़ी लुहारा भर का काम हो गया, मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर है और मुझे अपने घर सोए 8-9 दिन हो गया, 9 दिन हो गया 14 नहाए थे आज कितनी है 23 है तो देख ले 9 दिन हो गए, तो ये पड़े हैं मेरी गल्ला बड़े बुजुर्ग की मखाई न कि छोड़ कर जाएंगा मैं, ये वैसा तो हो नहीं सकता आड़ा है यहाँ आड़ा पड़े रहो मैं अपना घरा पड़ा रहूँ, देखो इनको तो दिल जीतना तो इनके साथ ही रहना पड़ेगा, ये मेरे साथ रहेंगे तो हमने तो इनके लिए जीवन लिख दिया, इनकी सेवा करनी है, अब तो किसानों के साथ है। किसानों के साथ है अपना, कोई भी भाई दुख तकलीफ राजीनामे या
कई प्रकार के आते हैं और यहाँ से सब संतुष्ट होकर जाते हैं। ये भवन हमें अभी नया नया मिला है, इस भवन में सारे पंचायत सारे ब्लॉक के जो भी राजीनामे यहीं होंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, तो ये है सोनू मालपुरिया, हमने पूरी स्टोरी पूरी कहानी आपको बताई। आपको बता दे कि कहने को तो गैंगस्टर कहा जाता है लेकिन कहीं ना कहीं सोनू मालपुरिया के अंदर एक नेक दिल इंसान है। सिर्फ उन्हें अपराधी जो जीवन उनके नाम से जाना जाता है लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए वो भी बताए, और अब भी जो अपना जीवन है वो किसानों की सेवा में लगा रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ जिंद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।